दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव सिर पर है। टिकटों की घोषणा होने ही वाली है, लेकिन इस बार भाजपा हाई कमान बहुत ही पसोपेश में है और पिछली बार जिस दबंगई से हाईकमान टिकट ऊपर से भेजकर नामों की घोषणा कर देता था और बाकी संभावित उम्मीदवार मन महसूस कर चुप बैठ जाते थे और उनकी हिम्मत हाईकमान का विरोध करने की भी नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार सारा नजारा बदला हुआ नजर आ रहा है। भाजपा में ना तो वो अनुशासन दिखाई दे रहा है, ना ही हाईकमान में इस बार वो दबंगई दिखाई दे रही है कि वो अपनी मनमर्जी के उम्मीदवार आसानी से थोप सके और चुनाव लड़वा सके और हाईकमान का कोई विरोध भी ना करे। इसका पहला नमूना तो आप देख चुके हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में टिकटों को लेकर इतना महाभारत हुआ कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष को एक कमरे में बंद हो जाना पड़ा, क्योंकि वो विरोधियों का या जिनको जो टिकट के संभावित उम्मीदवार थे उनका विरोध वो सह नहीं पाए थे। इसी तरीके की संभावनाएं कुछ पूरे हरियाणा में भी दिख रही है कि इस बार इतनी आसानी से अपने उम्मीदवार हाईकमान नहीं थोप पाएगा। ये हालांकि सारे हरियाणा में इस तरीके की स्थिति बनने जा रही है और बन रही है, लेकिन हम यदि दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा गुड़गांव क्षेत्र के राव नरवीर सिंह भाजपा के कद्दावर नेता है, चुनाव में जीतते रहे हैं, अपना रसूख दक्षिण हरियाणा में रखते हैं, विशेषकर गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में या जो आसपास के और क्षेत्र हैं आप उसे महेंद्रगढ़ पूरा जिला कह सकते हैं। वो भाजपा हाईकमान को आंखें दिखा रहे हैं कि यदि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनकी अनदेखी की गई तो प्रदेश उस क्षेत्र की जनता थोपे गए भाजपा उम्मीदवारों को हराने का काम करेगी। इसी तरीके से यदि हम फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों यहां भी कुछ स्थितियां ऐसी ही बन रही हैं। फरीदाबाद की कई सीटों पर भाजपा के नेता हाईकमान को आंखें तरेर रहे हैं और यदि उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो सकते हैं। इन नेताओं की तरफ से भी यही इशारे किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिले तो फरीदाबाद जिले में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जहां पिछली बार फरीदाबाद जिले की 6 सीटों में से 4 पर भाजपा विजयी हुई थी, इस बार दाव उल्टा भी पड़ सकता है। दोस्तों, यदि हम इनमें कुछ नामों की चर्चा करें तो उनमें से विपुल गोयल हैं जो
वर्तमान से पिछले से पिछले चुनाव में फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़े थे और कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन 2019 के चुनावों में उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन उनको बहुत आघात लगा था, उनके समर्थकों को बहुत आघात लगा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से मैनेज किया। और भी कई कारण थे जिसके चलते उन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावत नहीं की, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फरीदाबाद में अपने बड़े बड़े बैनर भी लगवा दिए थे, लेकिन अचानक अभी हमें खबर मिली है कि उन्होंने अपने बोर्ड बैनर वो सब हटवा लिए हैं। उसका क्या तकनीकी कारण है? ऊपर से आदेश हुए थे कि आप अपने इन बोर्डों को हटवाइए जो आपने चुनाव के लिए लगवाए हैं, या नगर निगम ने मतलब वो हटवाए हैं चुनाव अधिकारी के आदेश पर? तो ये तो हर तरीके की चर्चा चल रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि यदि इस बार भी विपुल गोयल को टिकट नहीं मिला फरीदाबाद से, तो क्या वो चुप बैठेंगे या बगावत करके चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्योंकि उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। देखना ये है कि उनको टिकट मिलता है या नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी संभावनाएं हैं और उनकी टिकट लगभग पक्की है, लेकिन जब तक घोषणा ना हो जाए किसी भी टिकट को पक्का नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से प्रथला सीट पर भी इसी तरीके का नमूना सामने आ रहा है। दोस्तों, 2014 के चुनावों में प्रथला सीट से जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की सीमा पर स्थित है, 2014 में यहाँ से टेकचंद शर्मा बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन जीतने के बाद तुरंत उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया और वो हर सुख भोगा जो एक सत्ताधारी दल का विधायक भोगता है। अब वो भाजपा में है, वैसे कभी हाँ कभी ना अलटते पलटते रहते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम कराना, उनकी जो मुख्यमंत्री से नज़दीकियाँ रही हैं और भाजपा हाईकमान के फैसलों पर अमल करना, उनके कार्यक्रम करवाना, तो वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा का ही हिस्सा हैं। वो ही नहीं, पिछली बार नैनपाल रावत, जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, हालांकि वो पहले बसपा से भी टिकट चुनाव लड़ चुके थे लेकिन जीते नहीं थे, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन 2019 में उनको जब भाजपा हाईकमान ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने विद्रोह करके आज़ाद उम्मीदवार के रूप में प्रथला से चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद उन्होंने भी भाजपा में अपनी आस्था प्रकट की, भाजपा सरकार को समर्थन दिया, खट्टर जी के साथ उनकी नज़दीकियाँ रहीं और खट्टर जी ने भी उन्हें सम्मान दिया पार्टी में। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि दोनों ही चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्रथला सीट से दोनों भाजपा के उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं,
टिकट चाहते हैं और घोषित अघोषित रूप से वो भाजपा में है, लेकिन कहा जा रहा है, उनके करीबी लोग कह रहे हैं, उनकी भी दबी जवान से आवाज़ आ रही है कि उन्हें यदि टिकट नहीं दिया गया, नैनपाल रावत तो साहब कहते हैं कि यदि उन्हें भाजपा ने इस बार भी टिकट नहीं दिया तो चुनाव तो लड़ेंगे। अब सीट तो एक है पृथला, अब वो मतलब भाजपा टेकचंद शर्मा को टिकट दे पूर्व विधायक को, या वर्तमान विधायक जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं नैनपाल रावत को टिकट दे। टिकट तो एक है, दावेदार दो हैं, तो एक की तो टिकट कटेगी। लेकिन जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों को ही पृथला से भाजपा हाईकमान टिकट ना दे, कोई तीसरा ही मोर्चा मार ले। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि यदि टेकचंद शर्मा या नैनपाल रावत को टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ेंगे, भाजपा से विद्रोह करेंगे और भाजपा को भी जो उम्मीदवार उतारेगी उसको भी जीतने नहीं देंगे, ऐसा उनके समर्थक दावा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्थिति केवल एक सीट की नहीं है, इस बार लगभग हर सीट पर अंदर खाने ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और उम्मीदवारी ठोकने वाले भाजपा के नेता तुले बैठे हैं कि यदि उनको टिकट नहीं मिला तो वो जिसको भाजपा उतारेगी मैदान में उसको भी नहीं जीतने देंगे। उदाहरण के लिए, ये तो मैंने इस क्षेत्र के दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद गुड़गांव ये संसदीय क्षेत्रों की बात आपके सामने की, और आपके सामने एक और बड़ा नाम है चौधरी रंजीत सिंह चौटाला। वो भी रानिया से आज़ाद जीते थे लेकिन बाद में भाजपा को समर्थन दिया, हरियाणा सरकार में मंत्री बने और लोकसभा चुनाव होने से पहले बाकायदा उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी और भाजपा ने भी उन्हें हिसार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गए। लेकिन भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा उनको रानिया से टिकट देने के मूड में नहीं है। जब ये भनक चौधरी रंजीत सिंह को मिली तो उन्होंने भी घोषणा कर दी कि भाजपा उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन रानिया से वो हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक और बहुत बड़ी मैंने सीट का दावा कर दिया। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये हालात भाजपा में, जो भारत की सबसे अनुशासित पार्टी बताई जाती है, जहां खुला विद्रोह नहीं होता है और सब हाईकमान के सामने नमस्तक रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसे हालात नहीं है। भाजपा में भी हर स्तर पर विद्रोह के सुर मुखर हो रहे हैं और विद्रोह की ये मुखरता आने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि भाजपा हाईकमान के सामने आग तरेड़ने वाले विद्रोही सुर के उन्हें यदि टिकट नहीं मिला तो वो दूसरों का भी खेल बिगाड़ेंगे, भाजपा को भी नहीं जीतने देंगे, ना केवल अपनी सीट पर बल्कि आसपास की सीट पर भी उनको टिकट ना देने का असर पड़ेगा और भाजपा के लिए
ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है यदि उनको टिकट नहीं दिया गया तो। तो दोस्तों, एक दिन, दो दिन, चार दिन की बात है, चुनावों की घोषणा बस अब हुई। अब देखना ये है कि इन आंख तरेड़ने वाले, आंख दिखाने वाले संभावित उम्मीदवारों के सामने भाजपा हाईकमान कितना झुकता है या नहीं झुकता है, या इन आंख तरेड़ने वालों के नेताओं का पत्ता साफ करेगा और इनके आगे नहीं झुकेगा। तो देखना है कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, हाईकमान अपनी मनमानी करता है या ये संभावित उम्मीदवार जो हर हालत में भाजपा का टिकट चाहते हैं और टिकट नहीं मिला तो विद्रोह करके भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इस सब का परिणाम क्या होगा इसको आप समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो दोस्तों, देखना ये है कि भाजपा हाईकमान इन सब हालातों को कैसे मैनेज करता है। तो देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।